हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनु फ्रॉम ANH फिजियोथेरेपी क्लिनिक चंडीगढ़। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेशेंट असेसमेंट की। ये वीडियो स्पेशली हमने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाया है। पेशेंट्स भी इसे समझ सकते हैं खैर, अगर डिटेल्स लेना चाहें अपने असेसमेंट के बारे में, बट इट इज मेनली फॉर द क्लिनिशियंस प्रैक्टिशनर्स जो अपने पेशेंट्स को थॉरो असेसमेंट किस तरीके से करें, उस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम असेस कर रहे हैं, डिटेल्स हम चाहते क्या आखिर। असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू फाइंड आउट फोर थिंग्स बेसिकली। व्हाट द पेशेंट कैन डू, व्हाट द पेशेंट कांट डू, पेशेंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, और जो पेशेंट कर पा रहा है वो उसका रीजन क्या है उसके पीछे, इस जो उसकी कंडीशन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो हम असेसमेंट करके पता लगाना चाहते हैं कि उसका कॉज क्या है। कोई लिमिटेशन है, कोई चोट लगी है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दैट लिमिटेशन। देन ऑफ कोर्स टू रीच अ डायग्नोसिस, ये पूरा इंफॉर्मेशन जानने के बाद कि आखिर ये तकलीफ जो पेशेंट लेकर आया है वो है क्या। एंड ऑफ कोर्स लास्ट स्टेप इज टू प्लान द ट्रीटमेंट, यानी कि असेसमेंट के चार मेन पहलू हैं। पहला है पेशेंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज एंड उसके लिमिटेशंस को पता लगाना। सेकेंडली, क्यों हो रहा है ऐसा, उसका रीजन पता लगाना। थर्ड, टू रीच द डायग्नोसिस, एंड फोर्थ, टू प्लान द ट्रीटमेंट, यानी उसके लिए अब हम करें क्या। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम पूछते हैं पेशेंट से, सबसे पहला तो आपका ओपनिंग क्वेश्चन रहता है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप जी हाँ बताइए किस लिए आप आए हैं यहाँ पे, जब पेशेंट आपके पास आता है। और असेसमेंट शुरू हो जाता है सवाल पूछने से पहले ही, जैसे ही पेशेंट आपके केबिन में वॉक करके आता है, योर असेसमेंट बिगिंस राइट एट द मोमेंट। आपका ध्यान से देखना पेशेंट को, ऑब्जर्व करना कि वो किस तरीके से चलकर आ रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, जब वो आपके केबिन में आके बैठता है आपके सामने तो वो किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से खड़ा था, आपका असेसमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स असेसमेंट, करेक्ट असेसमेंट। सो पोस्चर से हमें जानकारी बहुत बार मिल जाती है कि एंटालजिक गेट है, पेशेंट दर्द में आ रहा है, झुका हुआ आ रहा है, गर्दन को कमर को एक पर्टिकुलर पोस्चर में पकड़ा हुआ है। तो बहुत बार एक ऑब्जर्वेशन से, पोस्चर से हम कहीं ना कहीं एक जजमेंट निकाल लेते हैं। देन ऑफ कोर्स वी आस्क द डिटेल्स अबाउट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्या था आपका क्या नेम, एज की डिटेल्स फिल इन होने के बाद, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर कोई इस तरह की कोई तकलीफ है पहले, कोई पास्ट सर्जरी हुई है पहले, कोई आपने मेडिसिन ली है, कोई मेडिकेशंस चल रही है, कोई एलर्जी है किसी चीज से, ये सारी आप मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट से लेना चाहते हैं। यू ऑल्सो आस्क फॉर द ऑक्यूपेशन, नोइंग कि कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में कुछ कंडीशंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पेशेंट कह रहा है कि मुझे पैर में बड़ा दर्द रहता है थ्रू आउट, एंड यू आस्क द ऑक्यूपेशन कि आप करते क्या है, एंड इफ यू कम टू नो कि वो ड्राइवर है या टीचर है, सो यू नो कि उनके ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूस स्टैंडिंग या कॉन्टिन्यूस क्लच ब्रेक पे मूवमेंट करके उनको पर्टिकुलर जो सिम्टम लेकर आए हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक क्रिएट कर रहा है उनका ऑक्यूपेशन, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, यू नीड टू नो वेदर द पर्सन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सो ऑक्यूपेशन पूछना एक असेसमेंट का अहम हिस्सा है, इट इज नथिंग टू डू पर्सनल विद अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट, बिकॉज हेल्प ये आपको कंक्लूड करता है, हेल्प हेल्प करता है आपको कंक्लूजन तक पहुंचने में कि आपका पेशेंट जो तकलीफ लेकर आया है उसके पीछे कारण क्या है। तो इसी तरीके से आप हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं, वाइटल साइंस हम नॉर्मली बाहर चेक करा देते हैं, जो उनका पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, और उनका कंडीशन जो है उसमें कोई शुगर लेवल्स, अगर रीसेंट कोई लैब रिपोर्ट्स हैं वो हम इन्वेस्टिगेशन में पूछ लेते हैं, कोई रिसेंटली उन्होंने एक्सरे करवाया वो पूछ लेते हैं। तो वैसे जो मैं चाह रही थी आपको आज ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल दोनों असेसमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी। तो मेजरली तो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं पेशेंट की तकलीफ जो है वो कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है उसका ये समझ लीजिए कि अगर दर्द लेके आया है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, उसमें हम फिट चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी, देन वी टॉक अबाउट इंटेंसिटी, एंड देन वी टॉक अबाउट वेयर इज इट बेसिकली लोकेटेड, तो उसका लोकेशन क्या है।
कब उसको कोई रात को डिस्टर्बेंस हो रही है सोने में बिकॉज ऑफ द पेन, ये एक जरूरी एस्पेक्ट है समझना। पेशेंट का अभी अपनी तकलीफ को लेकर नजरिया क्या है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं लग रहा है आपको इसके अंदर, एग्जैजरेटेड तो नहीं लग रहा है। उसी चीज़ों के लिए आपका जो एक कीन आई जिसे हम कहते हैं ना, उससे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। अब जैसे आप उससे फीडबैक लेते जाते हैं, देन यू नो पहले तो आप कन्वर्सेशन ही करेंगे, बात ही करेंगे, उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे आएंगे। तो वाइल यू कम्युनिकेटिंग, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है पेशेंट ने, उसको ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्रॉस चेक भी करते हैं बहुत बार टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ मिलिंगरिंग। बहुत बार होता है पेशेंट यू नो कोई सिम्टम को एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप टेस्ट करते हैं उस चीज़ को, लाइक वीकनेस। मेरे साथ एक किस्सा हुआ, एक बार एक वीकनेस पेशेंट यू नो लेकर आए कि मैं कुछ यू नो उठा नहीं पा रही हूँ हाथ से, एंड आई यू नो डिड लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन इन बिटवीन सडनली आई चेक्ड विद यू नो कस के मुट्ठी दबाई एंड शी वॉज एबल टू डू इट नाइसली। सो बहुत बार आपको थोड़ा स्मार्टली असेस करना पड़ता है पेशेंट को, रूल आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। देन आप डेफिनेटली यू नो सेंसरी चेक करते हैं, मोटर चेक करते हैं। सेंसरी मोटर में डिटेल्स में हम बात करें तो आप कोई सेंसेशन डेफिसिट तो नहीं पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है ना। अगर तो आपका पेशेंट उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रहा है तो डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है बहुत बार, लेकिन सेंसरी एंड मोटर की डिटेल्स न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में असेस करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक असेसमेंट को टच करके फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में डिटेल में बात करूंगी। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में मेनली ये रहता है कि अगर नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, किसी भी तरह के पेन का पेशेंट आता है, तो आपने सबसे पहले तो उसके जो पेन का यू नो ऑनसेट कब हुआ है, शुरू कब हुआ है दर्द आपको, है ना, आप ये पूछते हैं कि कब से हो रहा है और फिर शुरू कैसे हुआ और दिन भर कैसा रहता है, रात को बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कब ठीक हो जाता है, रेस्ट करने पे इम्प्रूवमेंट आता है या मूवमेंट करने पे इम्प्रूवमेंट आता है। देन यू आफ्टर आस्किंग दीज क्वेश्चंस यू स्टार्ट विद योर फिजिकल असेसमेंट। फिर आप सबसे पहले जहाँ उसका लोकेशन है पेन का, उस साइट को ऑब्जर्व करते हैं ना, स्किन की इंटेग्रिटी चेक करते हैं। देन यू ऑल्सो चेक फॉर कोई ऑब्वियस स्वेलिंग तो नहीं है वहाँ पे, है ना, कोई मार्क्स तो नहीं है, कोई रेडनेस, ब्रूजिंग, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं। अगर नी पेन का लेकर आ रहा है पेशेंट, डेफिनेटली यू शुड लुक आउट फॉर स्वेलिंग और सम इंजरी मार्क्स। एट टाइम्स पेशेंट अफोगेटफुल है ना, तो नहीं भी बताते हैं, तो यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम वेरी वेरी कीन आई। देन आफ्टर दैट वी वुड डू द मूवमेंट टेस्टिंग। हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे जो भी कंसर्न्ड सेगमेंट है, और डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ कि वन जॉइंट अबव एंड वन जॉइंट बिलो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। एट टाइम्स बॉडी एज अ होल ऑल्सो चेक करने की ज़रूरत रहती है। बहुत बार होता है पेशेंट एंकल पेन की कंप्लेन लेकर आता है और उसका रूट कॉज एंकल में नहीं, कहीं ना कहीं हमें थोरेसिक या लंबर वर्टिब्रास में मिलता है, एट टाइम्स नेक में मिलता है। तो बॉडी का जो पोस्चरल अलाइनमेंट है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है बहुत बार, एंड सेकेंडरी कॉजेज में पेशेंट को एक्चुअली तकलीफ महसूस होती है, प्राइमरी कॉज उसे पता ही नहीं होता है। तो आपको थॉरो बॉडी का पोस्चरल असेसमेंट, मस्कुलर टेस्टिंग करना भी हेल्पफुल साबित होता है बहुत सारे केसेस में। सो नंदलेस आपको जहाँ का प्रॉब्लम पेशेंट लेकर आ रहा है, अगर नी का लेकर आ रहा है, शोल्डर का लेकर आ रहा है, तो उस जॉइंट के साथ साथ आप रेंज ऑफ मोशन ज़रूर चेक करिए, रेजिस्टेड मूवमेंट्स चेक करिए मसल पावर को चेक करने के लिए। देन हम बात करते हैं स्पेशल टेस्ट की। अगर शोल्डर जो इंजरी का पेशेंट आ रहा है तो ज़रूर चेक करने की कोशिश करिए उसको, कोई सुप्रास्पाइनेटस, इंट्रास्पाइनेटस टियर तो नहीं है, फ्रोजन शोल्डर तो नहीं है। नेक पेन का पेशेंट आ रहा है तो रूल इट आउट फॉर स्पाइनल कनाल स्टीनोसिस और एनी यू नो डिस्क बल्ज या रेडिकुलोपैथी तो नहीं है, या अगर रेडिकुलोपैथी है तो कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसका पूरा जो स्पेसिफिक टेस्ट लगते हैं, कंप्रेशन टेस्ट है, ये एक बड़ा ही डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में मे बी हम लोग हर सेगमेंट को चूज करके उसके स्पेशल टेस्ट के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बट सिंस इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थॉरो असेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो मैं यही कहूंगी कि जिस जगह का स्पेशल टेस्ट अगर नीडेड लगता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर आता है नी ट्विस्ट करके आ रहा है, तो टू फाइंड आउट वेदर द इंजरी हैज हैपेंड इन अ लिगामेंट और अ मेनिस्कस या लैटरल में है, मीडियल में, उसके लिए जो स्पेशल टेस्ट, मैकमरे टेस्ट, यू नो स्ट्रेस टेस्ट, जिनकी ज़रूरत है वो आप करके देखिए। स्पेसिफिक टेस्ट से आपका डायग्नोसिस और एक्यूरेट हो जाएगा, एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में भी आपको मदद मिलती है टू रूल आउट एक्स वाई जेड में से कौन से कंडीशन की तरफ पेशेंट ज़्यादा जा रहा है।
देन यू नो डेफिनेटली कम्स इन कॉमन पिक्चर आपका जो हम बात करते हैं कि स्पेशल टेस्ट के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन की आप नीड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यू रियली नीड टू फील द यू नो आपको बोन की कंडीशन देखने की ज़रूरत है, कहीं कोई आप ऐसा ट्रीटमेंट प्लान करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यू नो स्टिफनेस लग रही है उसमें एंड यू थिंक दैट यू कैन गिव ज्वाइंट मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन टू करेक्ट इट, बट यू बिफोर यू गिव इट यू वॉन्ट टू चेक आउट, आपको सस्पिशियस लग रहा है पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक हो सकता है या उसके अंदर कोई यू नो किसी तरह का बोन डिजीज प्रेजेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली गो फॉर एन एक्सरे बिफोर प्लानिंग आउट योर ट्रीटमेंट. देर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन गेटिंग यू नो वन और टू इन्वेस्टिगेशन टू बी ऑन सेफर साइड फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट हिमसेल्फ. देन फंक्शनल असेसमेंट के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी. एट टाइम्स हम ये सारे असेसमेंट्स कर लेते हैं, यू नो वी ट्राई टू डू स्पेशल टेस्ट ऑल्सो एंड कंक्लूड द होल पिक्चर विद इट विदाउट टचिंग द पॉइंट ऑफ फंक्शनल असेसमेंट. फंक्शनल असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली जो भी आप चीज़ें करते हैं उससे पेशेंट की डेली लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वट फंक्शन इज ही नॉट एबल टू डू, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिकवरी प्लान करते टाइम, उसका रिहा प्लान बनाते टाइम आपको पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ सिंक में होना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू फाइंड आउट फंक्शनल असेसमेंट ADLs पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में. उसके लिए आपको पर्टिकुलर स्केल भी चूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फिम फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर और यू नो एनी ऑफ द रेलिवेंट स्केल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वो आप चूज कर सकते हैं.